स्वयंवर नहीं था, स्वयंवर तो विश्व मोहिनी का हुआ था। द्रौपदी का जो हुआ था वो भी स्वयंवर था, कहते हैं द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, वो भी स्वयंवर नहीं था। शक्तिभान के साथ में सावित्री ने स्वयंवर करके शादी की थी, इसे कहते हैं स्वयंवर। लड़की जिसे चाहे, चाहे वो योग्य है या कैसा भी है, अपनी इच्छा से चुन ले भाई उसका पति हो जाए, उसे कहेंगे स्वयंवर। सीता जी की जब शादी की चर्चा इधर उधर चली कि जनक महाराज ने शर्त रखी है जो भी धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में सीता जी की शादी पक्की। एक पत्र आजमगढ़ में विश्वामित्र के भी पास पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? इसलिए तो नहीं पहुंच गया कि महाराज जनक के दरबार में विश्वामित्र आए, धनुष को तोड़ दें और सीता जी से शादी करें, ऐसा विचार नहीं था। पत्र तो इसलिए पहुंचा था कि विश्वामित्र आए स्वयंवर को देखें, क्योंकि विश्वामित्र को जनक अपना गुरु मानते थे, गुरु मानते थे, गुरु थे नहीं, उनके गुरु तो थे अष्टावक्र, लेकिन वही दर्जा विश्वामित्र को भी देते थे। और आजमगढ़ में जब पत्र देखा, राम लक्ष्मण से एक बात कही, बेटा सीता जी की शादी हो रही है, महाराज जनक ने एक शर्त रखी है, जो भी धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में शादी करेंगे, हम तो उस स्वयंवर को देखने के लिए जाएंगे और उस उत्सव में हमारी इच्छा है कि आप भी चलो। तो उसी समय राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र चले जनकपुर के लिए। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के चले, महाराज जनक के दरबार के लिए चले। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले, पर शुक्ला द्वादश गो गुरु के संग में श्री राम चले। आगे बढ़े तो क्या देखा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा, हर उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी बड़ा भयानक है, भगवान श्री राम ने देखा कि आगे निर्जन वन है, उस जंगल में पशु पक्षी भी नजर में नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़े तो क्या देखा है कि एक पहाड़ जैसी स्त्री पड़ी है। तो उसी समय समझाया ये है, महाराज